हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों सभी को। मेरे द्वारा दिए गए जानकारी अगर आपको अच्छा लगे, वन लाइक्स, वन कमेंट, वन शेयर, और फेसबुक से अगर देख रहे हो तो फॉलो करें, और यूट्यूब से देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मेडिकल लाइफ से। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो आपको भी कुछ ना कुछ मालूम है उसके गुण क्या है, ये है दोस्तों उसका पता देखें। ये है उसका पता, जिसे हम तो पाथर कुछ कहते हैं, पाथर कुछ पत्ता, और एक नाम है उसका पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा भी कहते हैं इसे। और इसे खाने से क्या बेनिफिट्स है दोस्तों बॉडी के लिए, तो आज हम कुछ आपको बोलने वाले हैं। अगर अच्छा लगे तो मुझे फॉलो करें, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और ऐसे ही जानकारी हम अलग अलग जानकारी लेके आते रहेंगे, अपलोड्स करते रहेंगे वीडियो दोस्तों। तो पाथर चट्टा के जो पत्ता है, इसका जो कि जादू ही गुण है दोस्तों, जादू ही पत्ता है ये, और एक किडनी के पथरी के लिए, जो कि पथरी को निकालने के लिए, किडनी का दर्द कम करने के लिए, यूरिन्स इन्फेक्शन को कम करने के लिए, जो कि यूरिन रुक रुक कर आना उसी को साफ करने के लिए, और किडनी में दर्द होना, दर्द को भी कम करने के लिए इसे आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा पत्ता है, इसे आप डायरेक्ट कच्चा भी खा सकते हो। देखिए हमने पत्ता खा के बताया आपको। पहले दोस्तों अगर आप घर पर यूज़ करते हैं तो पहले ये जो पानी है, पानी से पहले पत्ता को पहले हम धो लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने धो लिया है, और पत्ते को आप ऐसे भी खा सकते हो। थोड़ा पत्ता कड़वा नहीं है दोस्तों, पत्ते में थोड़ा हल्का सा नमक सा स्वाद आता है। धीरे धीरे चलेगा। अगर आप खा रहे इस पत्ते को तो अब क्या करना दोस्तों, सुबह उठ के आप दिन में कितना सुबह कितना दो सुबह और शाम में दोस्तों से खा सकते हैं, सुबह दो पत्ता या चार पत्ता। पहले क्या करना दोस्तों, अगर आप महीने भर खा रहे इस पत्ते को तो पहले हल्का गुनगुने गर्म पानी कर लेना, करने के बाद फिर पत्ते को थोड़ा अच्छे से धो लेना दोस्तों। धोने के बाद पत्ता बहुत ही कड़वा नहीं है, मीठा भी नहीं है, थोड़ा हल्का सा नमक सा टेस्ट है दोस्तों। तो फिर दो पत्ते या चार पत्ता महीने भर खा रहे समझो, तो पहले हल्का सा गर्म पानी कर लेना दोस्तों। गर्म पानी करने के बाद थोड़ा पत्ते को थोड़ा अच्छे से थोड़ा धो लेना, उसको छोड़ देना गर्म पानी में। छोड़ने के बाद आप खाली पेट में ये पत्ते का ऐसा ही खा सकते हो, डायरेक्ट खा सकते हो, नहीं तो उसका काढ़ा, काढ़ा मीन्स पत्ते को अच्छे से कूट लेना किसी पत्थर में या मिक्सी ग्राइंड में। कूटने के बाद ही उसका जो रस निकलता है, सुबह सुबह खाली पेट में जो चाय का गिलास होता है, हाफ गिलास, मिनिमम 10 to 20 ml जो कि आप खा सकते हो, जिससे आपका किडनी के लिए, जो किडनी के पथरी के लिए बहुत ही है, यूरिन इन्फेक्शंस उसमें दर्द होना बहुत ही है, उसके साथ साथ दोस्तों इसका बेनिफिट है जो बोन्स, जो हड्डी के लिए, उसके लिए भी बेहतरीन है। फिर आपका जो कि स्किन डिजीज, इससे क्या है दोस्तों, स्किन डिजीज भी, जो चर्म रोग, त्वचा रोग होते हैं, चर्म रोग भी नहीं होते हैं दोस्तों।
बहुत ही जादुई पत्ता है दोस्तों। और ये पत्ता दोस्तों जो जहाँ पर घाव बन जाते हैं हाथ में पैर में, कहाँ पर घाव को भरने में भी ठीक करता है, घाव को भरने के लिए भी ठीक करता है। और आपका जो रक्त में जो ब्लड शुगर होते हैं, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है दोस्तों, ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। और आपका पेट में जो विषक्त जो केमिकल्स होते हैं, हम जो फूड्स खाते हैं उसमें जो केमिकल्स पदार्थ जो रुक जाते हैं पेट के अंदर, बाहर नहीं निकलता है, वो सब भी बाहर इस पत्ते का रस खाने से ही बाहर जो कि निकल जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये पाथर कुची या पत्थर चट्टा के पत्ता जो कि हर्बल में इसका पाउडर भी मिलते हैं दोस्तों, धूप में सुखा कर बनाते हैं, और इसका जूस जो रामदेव बाबा की जो है आपका पतंजलि, उसमें भी आपका कुछ जूस मिल जाएगा, पत्थर चट्टा के जूस जूस को भी आप यूज़ कर सकते हो। उससे बेहतर आप घर में एक पौधा लगाइए। पौधा कैसे लगाना दोस्तों, ये जो पत्ता है इसका पत्ता से ही दोस्तों पौधा होता है, इसका पत्ता से ही दोस्तों ये पौधा होता है। और पत्ते को आप थोड़ा मिट्टी के अंदर थोड़ा ढक दीजिए, थोड़ा मिट्टी के अंदर, तो इसका जो साइड का जो लेयर होता है, लेयर से ही जो कि आपका पौधा जो ऑटोमेटिकली तैयार होगा दोस्तों। तो बहुत ही सुंदर पत्ता है, पत्ते से ही इसका पौधा होता है दोस्तों। और इसमें अल्कलाइंस, एंटी फंगल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीवायरस के भी काम करता है दोस्तों। ये पत्ता बहुत ही है, छोटे बच्चों से बड़ों तक, बुजुर्गों तक कोई भी इसे खा सकते हैं। शरीर के लिए कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट्स दोस्तों बहुत बेनिफिट है। आप भी इस पत्ते को खाइए, कम से कम डेली दो चार ना हो सके एक पत्ता खाइए, सिर्फ एक पत्ता खाइए। आयुर्वेदिक में जितना पावर है दोस्तों और किसी में भी नहीं है। एक पत्ता खाने से आपको कितने प्रकार का बीमारी जो कि आपको लाभ मिलेगा वो आप एहसास ही नहीं कर सकते दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मेरे अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप भी इस पत्ते को फॉलो कीजिए, पत्थर चट्टा के पत्ता आप भी खाइए, सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों ये। और हो सके आप भी आपका घर में अगर झारा नहीं है तो किसी का घर से एक पत्ता लेके आइए, और ठंडी का मौसम या बारिश का मौसम में या टॉप में या मिट्टी में कहाँ पर भी हो जाता है दोस्तों, पत्ता बहुत ही आसानी से बढ़ता है। पत्ता थोड़ा मोटा है दोस्तों, इसका जो पत्ता थोड़ा मोटा है जिससे जो कि रस भरा होता है दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे और लाइक्स और कमेंट शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ऐसे ही जानकारी हम लेते रहेंगे।